बिन्निम बिस्मिल्लर वसलात अल अम फ़कत कला रसोल सकुलद अल वालसना इसमा व्यमुल किताब वजह बल नाजी इग्रामी अलमकुम वरम वबरकत इस बरस ये आखिरी तोफ़ी है जो आपसे मैं मुखातब हो रहा हूँ और इन द आंदा बरसों में अगर तोफीक रही तो इससे मज़ीद गुंजाइश निकाली जाएगी ताकि दीनी तलीमत को आप तक पहुँचाने की इस सई हसना में शरीक कार करार पा सकूँ इनशा उन तमाम जवानों के हक़ हाँ में दुआ करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को पहुँचाने में अनथक कोशिशें की हैं काबिशें की हैं और उन तमाम कराम के हक़ हाँ में मैं खुदांद करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि महबूद क्राम के जरिए जो दी हम तक पहुँच रहा है यह इसी तरह पहुँचता रहे उनका सया हमारे सरों पर फरमा, आमीन बेहसिन सिलसिले बार गुफ्तु थी शदत इंसान को किन चीज़ों से नसीब होती है दूसरी जगह पर मैंने बयान किया कि बेटे बहराले कजीम नमत लेकिन अगर किसी को बेटियां नसीब हो जाएं तो बहुत बड़ी स है आज तरबियत के बारे में गुफ्तु करना चाहता हूँ देखिए पैगम्बर ख़ातम का एक फरमान है पैगम्बर फरमाते हैं एक बाप पर उसकी औलाद के तीन हकूक़ हैं अच्छा नाम रखना यह बाप की जिम्मेदारी है मैं अर्ज़ करूँगा ठीक है आ, अच्छा नाम रखने के लिए आप उनक पर जाइए ना जाइए मुझे इससे सरोकार नहीं लेकिन इतना ज़रूर सोच लीजिए कि अगर नाम का इंतबाब पहले से नहीं किया है तो कुरान मजीद से नाम बाद में निकलवाइएगा रिवायत में मिलता है कि अगर बेटे का नाम पहले से मुंतखब नहीं किया है तो उसे एक हफ़्ते तक मोहम्मद कहकर पुकारो अगर अल्लाह ने बेटी दी पहले से नाम का इंतबाब नहीं किया है तो कम अज़ कम एक हफ़्ते तक उसे फातिमा कहकर पुकारो ताकि नाम मोहम्मद और नाम फ़ातिमा की बरकतें तुम्हारे घरों में नाजिल होती रहें अच्छे नाम का इंतब ये बाप की ज़िम्मेदारी है कुरान मजीद की तालीम देना ये बाप की ज़िम्मेदारी है और फिर माह मैदान जिन घरों में बच्चे कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं उन घर के अफरा को हमारा तोहफ़े सलाम वालदेन को तहफ़े सलाम कुरान मजीद के मिलमिन को हमारा तोहफ़े सलाम मकातब के मदर्रसन को हमारा सलाम जिन्होंने इन बच्चों को कुरान मजीद की तलीमत से आरस्ता किया है और फिर पैगम्बर ख़ात्म फरमाते हैं जब बच्चा हद बलूक को पहुँच जाए तो उसकी शादी का इंतजाम करना यह बाप की जिम्मेदारी है मैं अर्ज़ करूँगा बच्चों की तरबियत के सिलसिले में देखिए सबसे पहले मरले में हमें अपने बच्चों की दीनी तरबियत करनी है अलबत् दीनी तरबियत के लिए हाथ में हर वक्त आसानी लेना है तमबीहुल गाफिलन रखना ज़रूरी नहीं है बहुत प्यारी बात किसी ने कही थी कि बच्चे नक्काल होते हैं जैसा करता देखेंगे वही काम अंजाम देंगे जाहिर है अगर बच्चा घर में देखेगा कि माँ बाप अवले वक्त मसले पर खड़े नजर आ रहे हैं तो बच्चा भी अवले वक्त मसले पर नज़र आएगा अगर बच्चा देखेगा कि माँ बाप हमेशा सच बोलते हैं तो बच्चा भी सच बोलेगा अगर बच्चा देखेगा कि माँ बाप हमेशा अच्छा लिबास जे वेतन करते हैं तो बच्चा भी लिबास के इंतखाब में दिक्कत बीनी से काम लेगा मैं आपके सामने पेश करूँ कि आखिर अहादीस में क्या मिलता है अदीस में है कि जिस घर में बुलंद आवाज़ से सदाए आओ अजान गजे उस घर से निफाक दूर होता है मेरे घर में आप आइए मेरा बेटा जो भी कमसिन है आज से नहीं जब मैं हजिले कुंभ में था तब से बिलखसूस अजान मगरिब के वक्त अजान कहता है बुलंद आवाज से और बहुत सारे घरों में हमने देखा है बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे नफाक को दूर करने का ज़रिया क्या है और तंदस्ती को दूर करने का ज़रिया क्या है कि इंसान घर में बुलंद आवाज से अजान कहे हत्ता काश वक्त होता तो मैं इशारा करता यह जो इमाम सैद सज्जादात ने बदखलाकी से खुदा की बारगाह में पनाह तलब की है जब मैंने इस सिलसिले में मुताला किया तो मुझे मिला कि अगर कोई इंसान बद हो तो उसकी कान में अज़ान को हो फलसफ़ा इसका क्या बयान किया गया इसका फ़लसफ़ा ये है कि इसे बताया जाए कि तुम दीनी तालीमात से दूर हो चुके थे सदाए तकबीर के ज़रिए अजान के फकरत के ज़रिए तुम्हें दीन के तालीम से आशना किया जा रहा है उस्ताद बुजुर्गवार जनाब शहीद मुर्तदा मुतहरी अरहमा फरमाते हैं कि मैं नमाज शब के बाद अव्वल वक्त अजान कहता था बुलंद आवाज़ से अज़ान कहता था बच्चे घर के खुद ब खुद इस अज़ान की आवाज़ को सुनकर बेदार हो जाया करते थे इस सिलसिले में आप पढ़िएगा महमारे इनकलाब हज़रत रूहल्ला है मूसवी खुमैनी अपनी बेटी से क्या फरमाते हैं कि सुबह के हंगाम बच्चों को जगाने के लिए ज़ोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं है खुद उठ जाओ बच्चे तुम्हें देख करके खुद ब खुद बेदार हो जाएंगे बहरहाल हमें अपने बच्चों की दीनी तरबियत करनी है हमें कुरान करीम उनको पढ़ाना है हमें उनको रोज़ा रखने की तरगीब दिलानी है हमें उनको नमाज़ पढ़ने का आदि बनाना है मैं फिर अर्ज़ करूँगा बाज़नों में जो बैठा हुआ है कि जब तक रोज़े कुशाई नहीं होगी तब तक रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होगा नहीं बच्चा अगर हद बलू को पहुँच गया है तो रोज़ कुशाई हो ना हो रोज़ कुशाई का कोई इस्लामी तवुर नहीं है ठीक है सिर रहम का एक ज़रिया है बच्चे की हौसला अफज़ाई का एक ज़रिया है और उसमें भी अगर आ, हलाल हराम की परवाह के साथ तकरीब हो रही है तो शायद मुस्तहसन हो लेकिन बहरहाल बच्चा अगर हद बलूक को पहुंच गया तो उसे रोज़ा रखना चाहिए नमाज़ बच्चे को पढ़ना चाहिए कुरान मजीद ख़त्म होने पर फकत जश्न नहीं मनाना है कि बच्चे ने सात साल की उम्र में कुरान मजीद की तिलावत को ख़त्म कर लिया है बच्चे को मुसलसल कुरान मजीद पढ़ाते रहना है नबी आदम और दीगर मासूमी ने बड़ी ताक़द की है यहाँ तक कि रवायात में मिलता है कि जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत होती है वो घर आसमान वालों के लिए वैसे ही चमकता है जिस तरह ज़मीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमका करते हैं दूसरी तरबियत जो हमें अपने बच्चों की करनी है वह है समाजी तरबियत जो कहीं कही ना कहीं आज हमें कमरंग नजर आती है मुझे याद आता है चूँकि फैजाबाद के ममिन बड़ी तादाद में देख रहे हैं मेरा बचपना रुदौली की सरजमीन पर गुजरा है मेरी जाय विलादत भी रुदौली शरीफ मेरा निहाल है मुझे याद आता है कि बचपने में हमें अलाउ नहीं था घर वालों की तरफ से वालदा की तरफ से कि हम नेकर बूशर्ट में या पैंट शर्ट में या जींस टी शर्ट में मस्जिद जाए नमाज अदा करने के लिए हम कुर्ता पजामा पे पहनकर जाते थे हमारी अपनी तहजीब थी हमारा अपना कल्चर था हमें अलाउ नहीं था कि हम टेक लगा करके बैठे हैं हमारे लिए इजाजत नहीं थी कि अगर हम मजलिस के नाम पर निकल रहे हैं तो हम इमामबाड़े के सहन में बच्चों के साथ दौड़ते हुए नजर आए मौजूदा दौर में समाजी तरबियत की जरूरत है समाजी तरबियत के लिए जाहिर है कि घर में ही उसकी बुनियाद डालनी पड़ेगी एक नमूना तो यह हो गया जिसकी तरफ मैंने इशारा किया जो सीरत मासूमिन से हमें मिलता है वो पेश करूं आपके सामने समाजी तरबियत मसलन इमाम ज़माना तीन बरस के हो गए हैं अभी तक किसी को खबर नहीं है सिवाय जनाब हकीमा और इमाम अस्करी के कि आखिरी हजत खुदा की विलादत हो चुकी है इमाम हसन अस्करी असलातम ने अपने फर्जंद को दुनिया वालों तक पहुंचाने के लिए चंद राहें अख्तियार की उनमें एक रास्ता क्या है अहमद इसहाक़ अबने इस कुम्मी जैसे मोकबर साहबी के सामने लाकर पेश कर दिया जिसके लिए अहमद इसहाक़ इस इब् कुम्मी कहते हैं कि बच्चे को जब आगोश इमामत में देखा तो ऐसे चमक रहा था जैसे चौदहवीं का चांद दूसरा रास्ता गोश्त तकसीम कराया खतूत लिखे एक रास्ता और था मसाइल शरिया का जवाब दिलवाया एक रास्ता और था रुकू में शरिया हासिल करवाई अपने फर्जंद से तीन चार बरस की उम्र में इमाम खुद ही हासिल कर सकते थे बिल्कुल कलेक्ट कर सकते थे लेकिन क्यों कलेक्शन इमाम अस्करी ने इमाम जमाना के जरिए करवाया ताकि तरबियत कर सके यह है समाजी तरबियत एक नमूना और पेश करूं मसलन आने वाला नंगी तलवार लेकर आया है नबी आदम की खिदमत में मैं कत्ल कर दूंगा लेकिन मुझे आपसे सवाल करना है रसूल खुदा के पास इमाम हसन अपनी कमसनी में तशरीफ फरमाए पैगंबर फरमाते हैं सलीबनी तुम्हें जो भी पूछना है मेरे फर्जन से पूछ लो सोचिया वो पैगंबर से पूछना चाह रहा है नबी आदम इमाम हसन की जानब इशारा कर रहे हैं उस मौके पर जब उसके चेहरे पर गजब के आसार नुमाया हुए इमाम हसन ने क्या फरमाया बलसालता फकीहन तुझे आम इंसान से सवाल नहीं करना है बल्कि फकीह है अहले बैत हसन मुझतबा से पूछना है मैं बता सकता हूं रात में तू कहां था किस आलम में था क्या कर रहा था यह है समाजी तरबियत आज हमारे यहां बहुत सारे इलाकों में हमको बुजुर्ग नजर आते हैं नोहा पढ़ते हुए सोच सलाम मरसिया पढ़ते हुए ठीक है आपके जरिए वो तहजीब अजा हम तक पहुंची है लेकिन कितना अच्छा होता कि आप अपने जवानों तक इस फन को इस तहजीब अजा को मुंतकिल कर देते यूरोप में इल्म दल दम नहीं तोड़ रहा है सर्जन सर्जरी करता है एक महदूद उम्र तक और फिर एह जवानी में सर्जरी छोड़ देता है वो अपना फन दूसरे जवानों को सिखाता है फिर वो लेक्चर देता है जिसके जरिए इल्म परवान चल रहा है हमारे यहाँ बुढ़ापा है जयफी है लागरी है नातवानी है नहीं है इंसान लेकिन उसको पकड़कर लाया जाता है और फिर वो अपने अंदाज से मखसूस अंदाज से इसीलिए बहुत सारे असनाफे सुखन ने दम तोड़ दिया कि हमने अपने बच्चों को अपने नौजवानों को नहीं सिखाया है लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा समाजी तरबियत के लिए भी हमें मतवे रहना चाहिए हमें अपने बच्चों की सियासी तरबियत करनी है आपको मालूम है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई मौजूदा दौर में सूरत हाल आपके पेश नजर है राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली मुख्तलिफ पार्टीज में नाम नहीं लेना चाहता हूं उनके अपने मंशोर आलमी मंजर पर निगाह डालिए तो आपको नजर आएगा कि सऊदियों ने ईरानियों की तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया है हमें बताना चाहिए अपने बच्चों को कि आखिर आज के दौर में सियासी हालात क्या हैं वगैरह जो सियासत के माना गलत तरीके से पहुंचाए गए तो हम सियासत से दूर हो जाएंगे जबकि दीन सियासत से जुदा नहीं है सियासत दीन से जुदा नहीं है ज्यारत का फिक्र है अहलबैत ताहरीन अलहमसम के लिए सियासत एबाद का लफ्ज आया है हमें अपने बच्चों की सियासी तरबियत करनी है हमें अपने बच्चों की अखलाक तरबियत करनी है ये खुदब शाबानिया जिसे आपने मुस्तकिल सुना पैगम्बर फरमाते हैं ख़ुदब शाबानिया में माह रमदान के सिलसिले में वक् के रू के बार हमू शारकुम अपने बड़ों की तोकीर करो अपने छोटों पर रहम करो हमें बताना पड़ेगा अपने बच्चों को कि भाई तुम्हारा बुजुर्ग कौन है आलिम दीन कौन है इमाम जमात की क्या फजीलत है इमाम जुमा कौन है मौलिम कुरान की क्या फजीलत है तुम्हारे उस्ताद की क्या हैसियत है अखलाकियात से आरास्ता करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है और फिर साहिब इबन अब्बास जिनके बारे में शेख सदूक ने मुफसल किताब लिखी जख़ीम किताब आला उदा मिल गया राह खुदा में ख़र्च करने का जज्बा है किसी ने सवाल किया ये आखिर आई कहाँ से आदत आपके अंदर वो जवाब क्या देते हैं जब मैं कमसिन था तो मेरी माँ मेरे सराहने पैसा रखती थी और कहती थी कि ले जाना सुबह में स्कूल जाते वक्त जो पहला फ़कीर नज़र आया उसे दे देना वो आदत जो बचपने में डाली गई थी आज तक हमारे यहाँ कायम है बहरहाल हमें अपने बच्चों की दीनी अखलाकी सियासी समाजी तरबियत करना है तरबियत आके जगाती है लहू के जौहर जैसी हो माँ उसी अंदाज का होता है पिसर खून हिंदा में यजीद आज़ली होता है माँ फातिमा हों तो हुसैन इबन अली होता है सल्लल्लाहु अलैकुम या बैदिन नबो नाजरीन अपनी दुआओं में याद रखिएगा अावीन मा कराम को आप खुद दीजिए जाहिर है जब आप अनावीन देंगे टॉपिक्स देंगे मौजूद देंगे तो उन अनावी के तनाजुर मेंाए क्राम आ करके गुफ्तु करेंगे जब के लिए यकीनन आम गुफ्तगू से मुफीद तर होगी